कैसे हो आप सब। आज हम देखेंगे कि जो हमारी एग्ज़ाम होती है टोटल 40 मार्क्स की, उसकी जो पेपर स्टाइल होती है वो किस तरीके से होती है। ओके, तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको मैथ्स का पेपर की पेपर स्टाइल। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ब्लैंक्स दी होगी, तो यहाँ पे एनी एट, तो हमें 1 से लेकर 9 तक ब्लैंक्स दी है, तो इनमें से हमें सिर्फ 8 ब्लैंक ही लिखनी है जो आपको आती है। ओके, उसके उसका मार्क्स होगा 8। फिर सेकंड क्वेश्चन होगा कि पुट राइट फॉर द रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन। तो यहाँ पे आपको 4 पिक्चर दिए होंगे, तो इनमें से आपको क्या करना है कि जो स्लाइड होता है ना, मतलब जो रोल होता है, इन पिक्चर में से जो भी रोल होता है वहाँ पे आपको राइट करना है, और जो स्लाइड होता है वहाँ पे आपको क्रॉस करना है। वैसे ही सेकंड नीचे है बी के, पुट राइट फॉर द ऑब्जेक्ट विच कैन बी स्टिक एंड क्रॉस फॉर द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी स्टिक इन द गिवन। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो स्टिक होगा वहाँ पे आपको राइट, और जो स्टिक नहीं होगा वहाँ पे आपको क्रॉस करना है। फिर होगा सी, जो काउंट इन ग्रुप एंड ऐड, तो यहाँ पे आपको ग्रुप का काउंट करके फिर यहाँ पे आपको ब्लैंक में लिखना होगा। ओके, फिर डी है काउंट इन ग्रुप एंड पुट राइट फोर करेक्ट आंसर इन द गिवन। तो यहाँ पे आपको ग्रुप दिए है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर देन 20 या लेस देन 20। ओके, तो यहाँ पे 20 से ज़्यादा है या 20 से कम, तो ये आपको काउंट करके फिर अगर 20 से ज़्यादा है तो राइट टिक करना है, अगर 20 से कम है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। ओके, ये क्वेश्चन होगा। फिर होगा क्वेश्चन नंबर 3A, आंसर द फॉलोइंग ऑप्स क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर एनी 4। तो यहाँ पे आपको 5 दिए होंगे, इनमें से कोई आपको 4 का ही आंसर देना होगा। कि फर्स्ट है एट विच ऑर्डिनल नंबर मैंगो इज। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन पूछा होगा तो यहाँ पे उसका आपको आंसर देना होगा इन पिक्चर्स के मुताबिक। फिर नेक्स्ट है कि वे स्लाउ द बिलोंग ऑब्जेक्ट द प्लेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द बैलेंस स्केल। तो यहाँ पे जैसे हम टेक्स्ट बुक में ये जब चैप्टर किया था तब आया था कि यहाँ पे जो है, तो आपको इन दोनों चीज़ में से क्या देखना है कि जो भारी चीज़ है वो किस तरफ होगी। जो भारी चीज़ है वो नीचे की तरफ झुकी होगी, और जो हल्की चीज़ है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है इस तरफ, जो झुका हुआ होता है उसका वेट ज़्यादा होता है, इसलिए जो भारी चीज़ होगी वो यहाँ पे नीचे की तरफ होगी और जो हल्की चीज़ होगी वो यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से कि ये क्वेश्चन 3B में आंसर ये क्वेश्चन ये आएगा। फिर सेम ऐसे ही आपके बाकी के पिक्चर्स भी दिए होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 4A, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें मैच करना है, तो यहाँ पे लिखा है 2 tens and 5 ones, तो 2 and 5 तो कितना हुआ 25। मैं आपको 1 एग्जांपल करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे आपको 25 ढूंढना है और मैच करना है। ओके, तो ये आपको दिया होगा, तो ये मार्क्स है 2 marks का। फिर है बी, तो यहाँ पे हमें पैटर्न कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे हमें पैटर्न दिए 5, तो इनमें से आपको 4 ही पैटर्न करनी है। ओके, तो यहाँ पे 2 arrow ऊपर की तरफ, 2 arrow नीचे की तरफ, मतलब अप डाउन। ओके, तो वैसे ही आपको कंटिन्यू करना है कि अप डाउन। ओके, वैसे ही यहाँ पे नीचे है ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी। ओके, वैसे आपको ये अल्फ़ाबेट कंटिन्यू करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो ए बी, तो बी फिर से रिपीट होता है, ये बी और ये बी, बी फिर से रिपीट हुआ, सी बी सी, सी फिर से रिपीट हुआ, फिर सी डी, डी फिर से रिपीट हुआ, फिर यहाँ पे ई लिखा हुआ तो ई एफ होगा, फिर एफ जो लास्ट वाला लेटर आएगा वो फिर से रिपीट होगा। ओके, फिर नीचे हमें नंबर्स दिए हैं, तो वही हमें कंटिन्यू करना है। फिर नेक्स्ट होगा सी के, पुट राइट ऑन द ऑड वन, तो यहाँ पे हमें पहले जो पिक्चर है उनमें से ढूंढना है, तो इनमें से
सेम पिक्चर, ये तीन है ये अलग हो रहा है ओके, तो यहाँ पे राइट आएगा। फिर इन फ्लावर्स में से आपको चुनना है ओके। फिर नेक्स्ट डी है कि डू एज डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमें दिया है कि राउंड ऑफ द नंबर बाय काउंटिंग इन थ्री एच, तो यहाँ पे नाइन से हमने कितना किया, 10, 11, 12 ओके, 12 पे हमने किया जंप। फिर हमें 12 से लेके तो मतलब ये हमें ध्यान रख के राउंड करना होगा ओके। फिर नीचे हमें सेकंड दिया कि फ्रेश द नंबर बाय काउंटिंग इन 10 ओके, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10, इस हिसाब से हमें यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है। फिर नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 कि काउंट द नंबर ऑफ सेफ इन द पिक्चर एंड राइट इन बॉक्स, तो यहाँ पे हमें आपको पिक्चर दिया होगा और फिर यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड सर्कल, तो आपको काउंट करना होगा कि स्क्वायर कितने हैं पिक्चर में, वो स्क्वायर आपको यहाँ पे काउंट करके लिखना होगा, फिर ट्रायंगल कितने हैं वो काउंट करके लिखना होगा, फिर रेक्टेंगल कितने हैं वो और सर्कल कितने हैं वो ओके। फिर नेक्स्ट होगा बी कि पुट राइट फोर ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड द मोस्ट लिक्विड एंड क्रॉस फॉर द ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड लेस लिक्विड ओके। तो आपको क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब पानी हम भर सकते हैं वहाँ पे हमें राइट करना है, और बहुत ही कम हम वाटर इकट्ठा कर सकते हैं वहाँ पे आपको क्रॉस करना है ओके। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से पिक्चर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट होगा सी कि हाउ मैनी टोटल पेंसिल आर्ट है, तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, तो इन पिक्चर में से आपको सभी बॉक्सेस के पेंसिल काउंट करना होगा और फिर यहाँ पे आपको ब्लैंक में लिखना होगा कि सभी मिला के पेंसिल कितनी होती है ओके। फिर नीचे है डी, यहाँ पे हमें सोल्व करना है कि आंसर द फुल, तो फर्स्ट है कि हाउ मैनी पैकेट ऑफ 10 कैन बी मेड आउट ऑफ 46 बिंदीज एंड हाउ मैनी बिंदीज विल बी लेफ्ट ओवर, तो हमें टोटल कितनी 46 और 10 की, तो 10 की कैसे बनाएंगे क्योंकि टोटल तो है 46, तो हम 10 का कितना बंच बनाएंगे 4 ओके। तो जो ये बिंदीज का पैकेट है तो इनमें 10 बिंदी का पैकेट है ओके। ये टेन और ये 10 तो हो गया 40, और जो 6 है वो बाहर की तरफ मतलब लेफ्ट है, तो ये टोटल मिला के कितनी हुई 46, तो आपको आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा कि 4 पैकेट 6 बिंदी विल बी लेफ्ट ओवर ओके, तो आपका आंसर ये आएगा। फिर जो सेकंड नीचे है कि देयर आर 69 फ्लावर इन अ बास्केट, हाउ मैनी गार्लैंड्स ऑफ 10 कैन बी मेट आउट ऑफ दोज एंड हाउ मैनी फ्लावर विल बी लेफ्ट लॉस्ट, तो यहाँ पे आंसर आएगा कि 6 गार्लैंड्स एंड 9 फ्लावर्स विल बी लेफ्ट लॉस्ट ओके। तो ये हमारा मैथ्स का पेपर का जो पेपर स्टाइल था कि कौन किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कि किस तरीके का क्वेश्चन आएंगे ओके। तो यहाँ पे हमारा मैथ्स का जो पेपर स्टाइल था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी कि इंग्लिश की पेपर स्टाइल किस तरीके से होगी।